हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग करने जा रहे हैं फाइन आर्ट्स में मुगल पेंटिंग के अंडर में बर्थ ऑफ सलीम। अब ये पर जैसे कि हमेशा करते हैं, देख लें कि सिलेबस में हम लोगों ने क्या क्या खत्म कर लिया है अभी तक। तो जो यूनिट वन है, राजस्थान एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, इसमें ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, सब स्कूल्स, मेन फीचर्स और जितने भी इसकी पेंटिंग्स हैं, ये सारी हम लोग कर चुके हैं। जैसे कि मारू रागनी, राजा निरुद्ध सिंह हरा, चौगन प्लेयर्स, कृष्णा ऑन स्विंग और राधा बनी ढनी और भरत मीट्स राम एट चित्रकूट, ये सारे हो चुके हैं। और पहाड़ी स्कूल का भी वैसे ही ओरिजिन एंड डेवलपमेंट हो चुका है, सब स्कूल हो चुके हैं, मेन फीचर्स हो चुके हैं और कृष्णा विद गोपीज हो चुका है, नंद यशोदा एंड हो चुके हैं और कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन, ये भी हम खत्म कर चुके हैं। अब हम आते हैं मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग में, तो उसमें भी हम ओरिजिन एंड डेवलपमेंट कर चुके हैं और मेन फीचर्स ऑफ मुगल स्कूल भी हम कर चुके हैं। और उसके अंडर में अगर हम देखेंगे तो कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन हमारा हो चुका है और अब हम करने जा रहे हैं बर्थ ऑफ सलीम। तो अगर हम देखें तो ये जो पेंटिंग है ये दिखा रही है बर्थ ऑफ सलीम के बारे में। अब इसमें आप ये ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें जो भी ये पेंटिंग है इसको तीन कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करा गया है। ये ऊपर वाला कंपार्टमेंट, ये नीचे वाला सेकंड और ये थर्ड। तो जो ऊपर वाला है अगर आप देखेंगे तो लगता है कि सही में ये बहुत ऊपर गया हुआ है, जैसे कि जो मंजिल है वो बहुत ऊपर गई हुई हो। तो इसको बर्ड्स आई व्यू बोलते हैं कि आप नीचे से देखें तो आप बहुत ऊपर से कोई चीज ऐसे दिखाई देगी। आप देख तो इस पेंटिंग को एकदम आगे से रहे हैं, लेकिन जब आप ये देखते हैं तो आपको ये एहसास आता है कि हाँ ये जो जगह है इसमें बहुत सारी मंजिलें हैं और ये वाला जो मंजिल है ये सबसे ऊंची वाली मंजिल है। और बाकी इसमें बहुत सारा काम चल रहा है, जैसे कि यहाँ पे बर्थ का सीन दिखा रहे हैं, बच्चा पैदा हो गया है, यहाँ पे शहनाइयाँ और खुशी हो रही है, यहाँ पे कुछ खाने पीने का सामान की बांटा जा रहा है, यहाँ पे जो उनके ऑफिशियल्स है वो लोग गरीबों को पैसा दान कर रहे हैं। अब आते हैं इसमें ये कि हमेशा, जैसे कि हमेशा बताते हैं ये लिखना जरूरी है, पहला के नाम बर्थ ऑफ सलीम, पेंटर रामदास, पीरियड अकबर पीरियड में है। जैसे कि मुगल स्कूल में पीरियड्स हैं उसमें सब स्कूल जैसे होते हैं वैसा नहीं है, उसमें पीरियड्स मतलब हर राजा ने आया और जो भी एम्परर आया, मुगल एम्परर आया, उसने अपने स्टाइल ऑफ आर्ट फॉर्म उसने वहाँ पे डेवलप करी। तो ये किस पीरियड में बना है? अकबर के पीरियड में बना है। और मीडियम वाटर कलर ऑन पेपर, टेक्निक टेम्पेरा, और कौन से ईरा में है? 1590 एडी में है। तो आप इसको 14th सेंचुरी भी बोल सकते हैं। कलेक्शन कहाँ पे? ज्यादातर सब नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में ही मिलते हैं। और ये भी बाद में, ये देखो लिखना बहुत आसान है, नाम तो आप पहले से जानते हैं। मीडियम भी ऐसे हम आपको बता रहे हैं, हर जगह वाटर कलर ऑन पेपर ही है। कलेक्शन भी आप देखेंगे तो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली ही ज्यादातर में रहता है। हाँ, पीरियड आपको याद करना पड़ेगा, वो वैसे भी बहुत जरूरी है क्योंकि 1 mark क्वेश्चन में पूछा जाएगा और पेंटर भी आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं सब्जेक्ट मैटर में। तो सब्जेक्ट मैटर जैसे कि हम लोग देख चुके हैं कि जो सब्जेक्ट मैटर है ये एक्चुअली जो किताब बनी थी अकबरनामा, उसके लिए जितने भी मुगल एम्परर थे उन्होंने अपनी कोई ना कोई किताब बाबरनामा, अकबरनामा ऐसे उन्होंने लिख पाई और साथ में उन्होंने उसकी पेंटिंग भी करवाई, तभी वो मिनिएचर पेंटिंग बनी। क्योंकि छोटी छोटी पेंटिंग्स थी, जैसे कि किताब थी उसके साथ में वैसे ही छोटी छोटी पेंटिंग बनी थी। तो ये है, ये एक सीन है अकबरनामा के, जो किताब है उसके ऊपर, अकबरनामा अकबर राजा के लाइफ के ऊपर लिखी गई थी। इट वाज एन ओकेशन, और ये क्या ओकेशन है? जो प्रिंस सलीम है उनका बच्चा बेटा पैदा हुआ है और कहां पे है? फतेहपुर सीकरी का ये सीन है। वहां पे क्या हो रहा है? म्यूजिक हो रही है और सब लोग बहुत खुशी मजा मना रहे हैं। अब इसके डिस्क्रिप्शन में आते हैं। तो डिस्क्रिप्शन के, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ लिया कि अकबरनामा के लिए है, तो ये मिनिएचर पेंटिंग है। कब की है? मुगल स्टाइल की है। अब इसमें लोग क्या करें कि कोई ड्रम बजा रहा है तो कोई बांसुरी बजा रहा है, तो अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं। तो आप ये लिख सकते हैं कि कोई वहाँ पर ड्रम बजा रहा है, कोई अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। और जो रॉयल ऑफिशियल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? पैसा दे रहे हैं लोगों को, कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। अब ये क्या है? ये जो एम्परर के जो कोर्ट है उसमें जनरली
किस तरह से लोग बिहेव करते थे, या फिर उनके पैलेस में लोग किस तरह से बिहेव करते थे, उस तरीके से वही एकदम हूबहू वही सीन प्रेजेंट करा गया है। और जैसे हमने तुमको पहले ही समझा दिया आप लोग को कि इसमें तीन कंपार्टमेंट्स हैं। पहले वाले कंपार्टमेंट में जो है, जो अकबर का जो बेटा है सलीम, उनका जो पैदाइश का उनका चित्र इसमें दिखाया गया है कि यहाँ पे माँ है और यहाँ पे बच्चा पैदा हो गया है, इस तरीके से हाथ में पकड़ी हुई है कोई लेडी, तो इस तरह से दिखाया गया है। और जो अदर कंपार्टमेंट है उसमें म्यूजिशियंस एंड सर्वेंट्स हैं। और जो दूसरा कंपार्टमेंट है जो इसमें बनाया है, इसमें म्यूजिशियंस हैं और जो काम करने वाले हैं, जो लोग कोई खाना लेके आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और नीचे वाला जो है उसमें वहां पे जो गरीब लोग हैं वो पैसा इकट्ठा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि बहुत एक्साइटमेंट है वहां पे, भीड़ में बहुत खुशी मनाई जा रही है। और अगर पीछे बैकग्राउंड में देखा जाए तो एक तरीके से श्रब्स या ट्रीज नहीं दिखाई दे रहे हैं, और वैसे तो हरा हरा है लेकिन ऐसा है कि वो रॉक्स दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा दिख रहा है कि रॉकी रॉकी बैकग्राउंड बनाया गया है। और वो जो अकबर है उनका जो पैलेस है उसमें किस तरह से लोग सब बहुत बिजी दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्ट्रेस हो रहा है लोगों को। स्ट्रेस इन द सेंस, जब कोई ऐसी बड़ी चीज होती है तो ये करना है, वो करना है, ये वाला काम करना है, वैसा वाला स्ट्रेस अकबर के पैलेस में दिखाया गया है। और जो जो कि हमने तुमको आप लोग को पहले बताया कि जो ऊपर वाला पोर्शन है वो बर्ड्स आई व्यू है, क्योंकि आप ऐसे आगे भी देख रहे हैं तो लेकिन आपको लग रहा है जैसे कि बहुत ऊपर है, लेकिन जो आगे वाला जो नीचे वाली मंजिल हैं वो एकदम आपको व्यू में दिखाई देती हैं। और जहां तक कलर का सवाल है, कलर कंट्रास्ट बहुत प्रेजेंट करा गया है। और इस वाली जो पेंटिंग है इसमें बहुत यूरोपियन इन्फ्लुएंस दिखाई देता है, यूरोपियन इन्फ्लुएंस सीनरी में दिखाई देता है, कपड़ों में दिखाई देता है। तो कपड़ों में यूरोपियन इन्फ्लुएंस है, जिस तरह से उनकी पेंटिंग करी गई है, पेंटिंग करने के तरीके में जो है वो यूरोपियन इन्फ्लुएंस दिखाई दिया है। और जो पीछे सीन क्रिएट करा गया है उसमें भी जो पेंटिंग करने का तरीका है उसमें यूरोपियन इन्फ्लुएंस दिखाया गया है। अब आते हैं वन मार्क क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो उसमें क्या है, पेंटिंग जो आर्टिस्ट रामदास ने कौन सी पेंटिंग बनाई, तो बर्थ ऑफ सलीम के नाम की पेंटिंग बनाई। और पीरियड ऑफ मुगल पेंटिंग इन विच बर्थ ऑफ सलीम वॉज पेंटेड, तो कौन से पीरियड में, अकबर के पीरियड में। और कौन सी टेक्निक यूज करी गई है, इसमें टेम्पेरा टेक्निक यूज करी गई है। और जो पेंटिंग जिसमें कि अकबर के बेटे के बर्थ दिखाया जा रहा है, कौन सी पेंटिंग है, बर्थ ऑफ सलीम की पेंटिंग है। किस मीडियम में है, तो वाटर कलर ऑन पेपर है। और जो हु इज द पेंटर ऑफ बर्थ ऑफ सलीम, तो हम बोलेंगे रामदास। तो इस तरीके से इसमें जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो कवर करे गए हैं। हाँ, एक और आप कर सकते हैं कि ये जो मिनिएचर पेंटिंग है ये किसमें थी, किसमें एडेड है। तो ये मिनिएचर पेंटिंग इज अ पार्ट ऑफ विच बुक, तो आप बोल सकते हैं अकबर नामा। ठीक है, तो मिनिएचर पेंटिंग द बर्थ ऑफ सलीम ऑफ सलीम इज द पेंटिंग ऑफ इज द पार्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ विच बुक। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे अकबर नामा। तो इस तरीके से आपके सारे जितने भी क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं सब कवर कर दिए हैं। तो होपफुली आपको ये पसंद आएगा, और इसको आप अपने दोस्तों को रेकमेंड करिए, इस चैनल को खुद सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और खूब अच्छे से पढ़िए और खूब अच्छे से एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।